भोपाल की महिला अधिकारी अनुराधा सिंघई ने आईएएस नवनीत मोहन कोठारी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। ये आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लगाए हैं। अनुराधा ने एमपी सरकार में सैडमैप अध्यक्ष और सचिव एमएसएमई पर आरोप लगाए कि आईएएस ने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे साथ उत्पीड़न दुर्व्यवहार करते हुए मानसिक यातनाएं देकर अपमान किया है, साथ ही मेरा गलत निलंबन किया और निर्वाह भत्ते को भी रोक दिया। भाई जी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध है। उद्यमिता विकास केंद्र यानी सेडमैप की कार्यकारी निदेशक अनुराधा सिंघई के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी कर नियुक्ति हासिल करने का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ सेडमैप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति हासिल करने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी करने का परिवाद जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। परिवाद में लगाए गए आरोप पुलिस की जांच में सही पाए जाने पर कोर्ट के आदेश पर अनुराधा सिंघई के खिलाफ 26 जुलाई को एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता राजेश कुमार मिश्रा ने परिवाद में आरोप लगाया कि अनुराधा सिंघई सेडमैप के कार्यकारी संचालक के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं और अहर्ताएं पूरी नहीं करती हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सेडमैप में यह नियुक्ति हासिल की है। जेएमएफसी रजनीश ताम्रकार ने इस मामले की सुनवाई कर 14 जुलाई को महाराणा प्रताप नगर पुलिस को 28 जुलाई तक जांच प्रतिवेदन कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सेडमैप के कार्यकारी संचालक पद के लिए 17 मार्च 2021 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक पात्रता एवं अनुभव में प्राइवेट सेक्टर के आवेदकों को न्यूनतम 15 लाख रुपए सीटीसी के पैकेज के अंतर्गत किसी भी संस्थान में कार्य होने का अनुभव मांगा गया था। इस पर अनुराधा सिंघई ने षड्यंत्र एवं कुटरचित तरीके से खुद का 15 लाख रुपए सीटीसी के खुद के घोषणा पत्र में हस्ताक्षर कर अपनी गलत सीटीसी दर्शा दी, जबकि वे अपने खुद के एनजीओ इंडो यूरोपियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कल्प मेरू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संचालक के पद पर कार्यरत थी, जिसमें उन्हें कोई मासिक सैलरी नहीं मिलती थी। हकीकत में वो खुद का व्यवसाय संचालित करती थी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अफसर पी नरहरी को बदनाम करने की साजिश की गई, जो नाकाम हो गई। पी नरहरी हर प्रकार से पाक साफ साबित हुए हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। दरअसल सैडमैप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महिला अधिकारी अनुराधा सिंघई ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। उनके और उनके वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पी नरहरी के मनगढ़ंत और काल्पनिक आपत्तिजनक चैट का स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति दुर्भावना और रंजिश की वजह से सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर रहा है, जिससे मानहानि और मानसिक वेदना हो रही है। फर्जी स्क्रीन शॉट से उनका और उनके वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे सामाजिक तत्वों का पता लगाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।